नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया दिनभर। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। पुरवैया दिनभर की शुरुआत बक्सर से आ रही बड़ी खबर के साथ। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। नगर थाने के सेडिगेट की यह घटना बताई जा रही है। स्थिति तनावपूर्ण है, घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है। आपको बता दें, बक्सर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिमीडिया संवाददाता रवि हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, अभी क्या कुछ हालात है वहां पर? अजी देखिए, गोपाल यादव नाम बताया जा रहा है, 65 वर्ष इनका उम्र है। ये भी बताया जा रहा है कि ये शराब कारोबारी थे और अभी शाम के वक्त में इन्हें गोली मार करके इनके अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है। नगर थाना इलाके के सिंडिकेट का ये मामला है। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और लोग जो है मौके पर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि मौके पर जो स्थानीय पुलिस है, DSP है, वो पहुंच चुके हैं। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश जा रही है, लेकिन जो लोगों का आक्रोश है वो बढ़ता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अभी तक बॉडी को वहां से उठाया नहीं जा सका है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम अपडेट्स के लिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बक्सर से, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां सालडी बस्ती में गोली चली है, एक व्यक्ति की TMH में इलाज के दौरान मौत हो गई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, सालडी बस्ती में गोली चलाई गई है, एक व्यक्ति की TMH में इलाज के दौरान मौत हो गई है। लोहनगरी जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जमशेदपुर के सालडी बस्ती में गोली चली है, एक व्यक्ति की TMH में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 10,946.88। अब बात करेंगे बिहार के बजट की। बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार विधानसभा में साल 2016-17 का बजट पेश कर दिया। 1,44,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि के विकास पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों को प्राथमिकता दी गई है। बजट की बड़ी बातें आपको बताते चलें। नीतीश के 7 निश्चय पर जोर दिया गया है। शिक्षा के लिए बजट में सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य राशि आवंटन के मामले में दूसरे नंबर पर है। 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि शिक्षा विभाग के लिए खर्च की जानी है। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने पर सरकार का विशेष जोर है। ग्रामीण जल संसाधन विभाग के लिए विशेष बजट बनाया गया है। 14 जिलों में 2,150 तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। 7,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। 14वें वित्त आयोग से 45,803 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हर मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग सेंटर, हर जिले में ANM स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। किशनगंज में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने और हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी गांवों एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जाएगा। 6 शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, खुले शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। विकसित बिहार के 7 निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत संरचना और औद्योगिक प्रोत्साहन के कार्यक्रम एवं अन्य संकल्पों के अनुसरण हेतु बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है। बिहार के बजट में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर दिया गया है। शिक्षा के लिए 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए बजट में क्या कुछ खास है बताते हैं आपको। मगध विश्वविद्यालय परिसर में IIM की पढ़ाई होगी। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता में इजाफा किया जाएगा। मुख्यमंत्री बालक और बालिका साइकिल योजना पर जोर रहेगा। 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मरहूम निदा फाजली साहब का एक शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करें किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। शिक्षा विभाग को वर्ष 2016-17 में 21,897.02 करोड़ रुपये
आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें योजना मद में 10,950.14 करोड़ रुपए एवं गैर योजना मद में 10,946.88 करोड़ रुपए शामिल हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 2020 के तहत 7 निश्चयों के अंतर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराने का उद्देश्य है। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगा। इस योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रुपए की सीमा तक शिक्षा ऋण पर अर्थाधारित विद्यार्थियों के लिए डिफॉल्ट की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि संबंधित बैंकों को सुलभ कराई जाएगी। और अब बताते हैं अलग अलग विभागों के लिए बजट में कितना पैसा मिला है। सबसे ज्यादा शिक्षा, फिर स्वास्थ्य और तीसरे नंबर पर ऊर्जा विभाग रहेगा। 1,44,696 करोड़ का बजट पेश किया गया है। शिक्षा विभाग का बजट 21,897 करोड़ रुपए का है। कृषि के लिए 2,718 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के लिए 6,599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन का बजट 2,279 करोड़ रुपए का रखा गया है। 8,234 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य विभाग का बजट बनाया गया है। ऊर्जा विभाग का बजट 14,367 करोड़ का होगा। पटना शहर स्थित मीठापुर आरओबी से स्टेशन होते हुए चिड़ियाटार ऊपरी पुल तथा एग्जीबिशन रोड आगे का गांधी मैदान तक विस्तारीकरण कार्य, बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच फ्लाईओवर, मीठापुर ऊपरी पुल से भिखारी ठाकुर, यारपुर ऊपरी पुल भाया आर ब्लॉक जंक्शन के बीच फ्लाईओवर तथा पटना शहर के मीठापुर ऊपरी पुल से चिड़ियाटार फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति में है। गंगा पथ दिघा से दीदारगंज 3,160 करोड़ रुपए की लागत पर एवं पटना एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कॉरिडोर 1,231 करोड़ रुपए की लागत पर निर्मित किया जा रहा है। राज्य सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए भी विकास कार्यक्रम शुरू करना चाहती है। इससे बुनकर व अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी संख्या में जीविका उपलब्ध कराया जा सकता है। बजट में महिलाओं और युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को नौकरी में 45% आरक्षण दिया जाएगा। हर जिले में A&M स्कूल खुलेगा। हर मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग सेंटर होगा। स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। अल्पसंख्यक इलाकों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता में इजाफा का प्रावधान और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। राज्य में 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, हर जिले में कम से कम 1 GNM स्कूल की स्थापना, हर जिले में कम से कम 1 पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में A&M स्कूल की स्थापना, हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। तो बिहार के बजट में ग्रामीण इलाकों के विकास और कृषि पर खास जोर दिया गया है। बताते हैं आपको इस बजट से जुड़ी बड़ी बातें। ग्रामीण इलाकों में विकास का संकल्प लिया गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर है। किशनगंज में कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। पठारी इलाकों में जल संचय पर जोर होगा। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देगी बिहार सरकार। 14 जिलों में 2,150 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। करीब 970 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। पुल पुलियों के लिए 469 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सूखे से निपटने के लिए नदियों को जोड़ा जाएगा।
कृषि क्षेत्र, कृषि शिक्षा एवं शोध की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किशनगंज में नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को 2,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड तथा 6,000 रुपया प्रति वर्ष पुस्तक आदि खरीदने के लिए सहायता दी जा रही है। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बजट भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित स्पेशल पैकेज को लेकर भी निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेशल पैकेज मृग तृष्णा जैसा है, साथ ही उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज यथार्थ से अधिक मृग तृष्णा ही लगती है। बिहार जैसे ऐतिहासिक रूप से प्रतिकूलता ग्रस्त राज्य के लिए मिलने वाले पैकेज को सिंचाई और कृषि की ओर लक्षित किया जाता तो बिहार प्रमाणिक रूप से सक्षम हो सकता था। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की सराहना की है। उन्होंने वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक अच्छा बजट बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। बजट के प्रावधान बहुत ही सहायक होंगे और वित्त मंत्री जी को मैं इस बेहतरीन बजट के लिए बधाई देता हूं। सिद्दीकी साहब, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पूरे देश में विकास का ढिंढोरा भी पीट रहे हैं और केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं। जो राज्य विकास के पथ पर हो उसे विशेष दर्जे की क्या जरूरत है। जेएनयू प्रकरण पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जेएनयू में पुलिस भेजकर बड़ी गलती की है। कोर्ट परिसर में कन्हैया को पीटा गया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस मामले में गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। ये अपनी वाहवाही में कह देते हैं कि बहुत हम आगे हो गए, आगे हो गए थे, स्पेशल स्टेटस कैसे देगा कोई, हम तो नहीं समझना चाहते हैं दोनों से। ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि हम बहुत तरक्की में हैं, तो तरक्की वाला के विशेष राज्य का दर्जा देगा कोई। ये कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा विकास कर गए, तो सबसे ज्यादा अपना अपनी प्रशंसा के लिए, तो सबसे ज्यादा विकास कर गए तो भारत सरकार कहेगी जो सबसे ज्यादा विकसित के विशेष राज्य के दर्जा दें। हालांकि दूसरी ओर बिहार एनडीए ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार के जवाब के बहिष्कार का फैसला लिया है। दरअसल शनिवार को नीतीश राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन विपक्ष का मानना है कि मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखने का फैसला लिया है। तो सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सोमवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे, तो उनके जवाब को मीडिया में प्रमुखता नहीं मिल पाएगी, इसलिए केवल मुख्यमंत्री के बयान और भाषण को मीडिया में प्रमुखता दिलाने के लिए सोमवार को सदन स्थगित रहेगा और कल छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री का भाषण होगा। हम लोगों ने इसके विरोध में कल दिन भर दोनों सदन का बहिष्कार करने का तय किया और एनडीए के तमाम घटक दल भी कल सदन की किसी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। बिहार के सियासत में आजकल धरती के बोझ पर बवाल मचा है। धरती का बोझ कौन है इसे भी नेता समझा रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह के मुताबिक गैंगवार में मारे गए बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा धरती के बोझ थे। ऐसे में संजय सिंह के बयान पर सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला। मोदी ने राजवल्लभ को बचाने का आरोप महागठबंधन की सरकार पर लगाया है। इनामी अपराधी था, उसको आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए। एक तरह अपराध की बात करते हैं, पप्पू यादव को प्रधानमंत्री चेंबर में बुला के वाइस सैनी का सिक्योरिटी देते हैं, एक एक घंटा बातें करते हैं उसको। इन लोगों को वाइस सैनी का सिक्योरिटी दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दी वाइस सैनी का सिक्योरिटी? मारने वाले कौन थे उन लोग को, मारने वाले कौन थे इस पर भी एक जांच होना चाहिए। धरती के बोझ थे ये लोग, अपराधी थे। जनता दल यू के लोगों ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है और हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा के बारे में
और जिस तरह की टिप्पणी की गई बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है। और जनता दल यू के लोगों के द्वारा ये कहा जाना कि जो लोग मारे गए वो धरती का बोझ है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो दो इंजीनियर मारे गए क्या वो धरती के बोझ थे? और ये राजवल्लभ प्रसाद क्या है जिन पर बलात्कार का आरोप लगा? और मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव राजवल्लभ यादव जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। नालंदा में नाबालिग से रेप के मामले में घिरे आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव के नवादा जिले के इंग्लिश गांव स्थित घर के फॉरेंसिक टीम ने तलाशी ली। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव कई दिनों से फरार चल रहे हैं। वहीं नाबालिग रेप मामले में सुलेखा समेत चार महिला आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। सुलेखा देवी पर छात्रा को विधायक के पास ले जाने का आरोप है। पुलिस ने सुलेखा देवी की माँ और बेटी को भी जेल भेज दिया है। झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, स्थानीय नीति और कॉन्ट्रैक्ट पर डीडीसी की नियुक्ति करने के विरोध में सदन के बाहर और अंदर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सीएम रघुवर दास ने विपक्ष पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जेपीएससी ने न्यायालय से अनुमति लेने के बाद रिजल्ट का प्रकाशन किया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सरकार इसमें कोई दखल नहीं कर सकती। हालांकि सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। आपको बता दें कि विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच 49 अरब 20 करोड़ का ग्रामीण विकास विभाग का अनुदान मांग स्वीकृत हो गया है। साथ ही सोमवार तक के लिए झारखंड विधानसभा के सत्र को भी स्थगित किया जा चुका है। हालांकि झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपनी बातें रखी, लेकिन विपक्ष सरकार के बयान से संतुष्ट नजर नहीं आया। जेपीएससी के मुद्दे पर जो पहले भी सरकार को अवगत कराया गया था कार्यस्थगन के माध्यम से, और उन्होंने बातचीत करके हल निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन बातचीत करने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। और जिस तरीके से जेपीएससी पांचवी जो अभी सिविल सेवा परीक्षा हुई है उसमें जिस तरीके से धांधलियां हुई है यह सर्वविदित है। इसका विरोध अब हम पूरे जोर शोर से सदन के अंदर से सदन के बाहर तक करेंगे। झारखंड के नौजवानों के साथ, उनके हक और अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये जेपीएससी तो एक उदाहरण है, इस प्रकार के कई उदाहरण पड़े हुए हैं जो आरक्षण के रोस्टर के नियमों का उल्लंघन कर रही है। आपने जेपीएससी में देखा कि 266 में से मात्र 38-39% ही आरक्षण दिया, जहां की 50% आरक्षण का प्रावधान है। और 1 से 3-4 तक सारे टॉप के जो है सो झारखंड के बाहर के नौजवान है। दूसरे राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। बिहार में इस प्रकार के रिजल्ट आए, बिहार ने रिजल्ट को रोक दिया। हम सरकार से इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप इस रिजल्ट को रद्द कीजिए। तो एक तरफ इनका अपना आदेश है, उस पर कोई अगर जेपीएससी या एसएससी कार्रवाई कर रहा है उस पर विरोध कर रहे हैं। नियमावली इस सरकार के पहले की सरकार ने बनाया है, उस नियमावली के अनुसार परीक्षा हुई, उस पर भी विरोध हो रहा है। तो सरकार का ही कहना है कि हम न्यायालय के कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और न्यायालय इसके बारे में निर्णय ले। सरकार जरूर ये मदद करेगी कि न्यायालय से निर्णय जल्दी हो जाए। जेपीएससी के पांचवें सिविल सेवा परीक्षा मामले को लेकर विधानसभा में सवाल उठा और कई बार सदन भी स्थगित हुआ, लेकिन हल नहीं निकला। इधर परीक्षार्थी भी परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन करते नजर आए। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान आरक्षण से खिलवाड़ किया गया और बिना कारण बताए ही परीक्षार्थियों को रिजेक्ट कर दिया। और सर फिफ्थ में सर 3 सीट आरक्षण का रहते हुए हमें छाट दिया गया है। सर ये बात करते हैं कोटिवार आरक्षण का, सर तो सर यूपीएससी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सभी कुल सीट का 3% आरक्षण देने की बात करती है। वहीं आज हमारे झारखंड जैसे समाज में हम जैसे विकलांगों के उपेक्षा किए जा रहे हैं, तो बताइए श्रीमान हम अध्यक्ष महोदय के पास गुहार लगाएं या फिर रघुबर दास के पास हम गुहार लगाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं शुरू से लेकर अब तक जेपीएससी में हुए विवाद पर। इस पर एक नजर हम आपको डालें
बीटी परीक्षा में लगभग 1,00,000 छात्र शामिल हुए। पीटी का रिजल्ट निकला तो लगभग 10,000 छात्रों को ओएमआर सीट के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया। एसटीएससी ओबीसी कैटेगरी के परीक्षार्थी जो जनरल कैटेगरी के परीक्षार्थियों के बराबर अंक ला चुके थे उन्हें कोटी में ही रखा गया। पीटी परीक्षा में 3,789 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए। मुख्य परीक्षा में 2,703 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। मुख्य परीक्षा के परिणाम में फिर 831 परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया। साक्षात्कार के लिए 824 परीक्षार्थियों को बुलाया गया। जब फाइनल रिजल्ट आया तो एसटी एससी ओबीसी कोटे से 320 परीक्षार्थियों में से सिर्फ 8 परीक्षार्थी ही पास हुए।